ग्रीन पैरेट को आज दीवार के ऊपर चमगादड़ की तरह लटके हुए देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि आज हमारे ग्रीन पैरेट को क्या हुआ। बाद में मुझे पता चला कि आज हमारे ग्रीन पैरेट की कलोनी का सत्यानाश हो गया। यार हमारे ग्रीन पैरेट की कलोनी की स्टिकें जो है टूट गई है। इनकी हम सेटिंग करते हैं, पहले अपने ग्रीन पैरेट को देते हैं फ्रूट। फ्रूट में हमारे पास है अमरूद और सेब। मिक्स सीड भी इनकी चेंज करते हैं। इनकी काल वाली जो मिक्स सीड बची हुई है वो कबूतरों को देते हैं। मैं बची हुई मिक्स सीड कबूतरों को देता हूँ। हर रोज अपने ग्रीन पैरेट की मिक्स सीड चेंज करता हूँ और हमारे कबूतर मिक्स सीड बहुत ही शौक से खाते हैं। वाव यार देखें क्या बात है। तो अभी चलते हैं, ग्रीन पैरेट को मिक्स सीड भी देते हैं और फ्रूट भी देते हैं। ग्रीन पैरेट के लिए ताजा पानी, मिक्स सीड और फ्रूट तैयार है। तो अभी अपने बाकी परिंदों को भी ये चीजें देते हैं। तो देखिए हमारे ग्रीन पैरेट, वाव यार खाना भी स्टार्ट कर दे इन्होंने, माशाल्लाह यार देखे। अक्सर भाई ये सवाल करते हैं कि आप अपने ग्रीन पैरेट को क्या क्या चीजें देते हैं। आपको मैं बताता चलो कि मैं अपने ग्रीन पैरेट को मौसमी सब्जियां देता हूँ, मौसमी फ्रूट देता हूँ, काले चने देता हूँ, उबले हुए चावल भी देता हूँ, भिगोई हुई रोटी देता हूँ, बगैर घी वाली रोटी देता हूँ। तो आप ये चीजें अपने ग्रीन पैरेट को दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आज की हमारी वीडियो का लाइक का जो टारगेट है वो है 600 लाइक। तो यार 600 लाइक कंप्लीट करो। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट करें और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों का भला हो और लोगों को ग्रीन पैरेट की खुराक के बारे में पता चले। और मौसम देखें, माशाल्लाह क्या मौसम बना हुआ है, कमाल यार कमाल, बहुत ही खूबसूरत मौसम बना हुआ है। तो वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज।